एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि जनता ने अब ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। कहा कि सपाइयों के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आने वाले समय में बनेगी। वह पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। जितनी लागत पर यादव जी की जो देश में निखरती हुई छवि है उससे घबराए हुए हैं। चार चुनाव हार गए इसलिए इन्होंने तो राम के नाम को बेचने का काम किया। अब वो एक कार्यक्रम और चल रहा है जो विभूतियाँ जिले या प्रदेश की जानी मानी हस्तियाँ हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनके फॉलोअरशिप को अपने में अटैच कर रहे हैं। तो ये अभी इनका राम ने इनको धोखा दे दिया, क्योंकि राम को इन्होंने धोखा दिया तो राम ने इनको धोखा दे दिया, हरा दिया। अब इनका काम नहीं चल रहा तो और लोगों से संपर्क करके, जनसंपर्क करके लोगों को उनकी बेचने की तैयारी है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बेचने की तैयारी है। झूठ और झूठे वादे करके सरकार बनाई, अब उनकी कलई भी खुलने लगी। आपने देखा होगा गोरखपुर में और फूलपुर में, फिर कैराना में, नूरपुर में, पूरी भारत की सरकार, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, सारे मंत्रियों सहित पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको हराने का काम किया। अब जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करना है। अपने पार्टी के फंड से लैपटॉप बांट रहा हो आज सरकार में ना होने के बावजूद भी, तो वो टाइल्स ले जाएगा? अब आज तक राज संपत्ति ने तो ब्यौरा नहीं दे पाया और राज संपत्ति को दबाव में लिया जा रहा कि किसी तरीके से कोई आरोप लगाओ। कहा कि 48 करोड़ रुपए खर्च हो गया। अरे 48 करोड़ जो तो हिसाब कहाँ से लगा 48 करोड़ भाई? वो तो उसको और बीजेपी के लोगों को वहाँ अधिकारी जाके तोड़ फोड़ करा के कहा स्विमिंग पूल था। अरे स्विमिंग पूल था, किसने देखा स्विमिंग पूल बताए? तो स्विमिंग पूल था। ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी की जो निखरती हुई छवि है देश में उससे घबराए हुए बीजेपी के लोग। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार षड्यंत्र कर रही। माननीय अखिलेश यादव जी कुछ नहीं ले गए, बहुत कुछ अपना छोड़ के गए हैं आवाज में। सरकार का कुछ नहीं ले गए, बहुत कुछ आवाज में। जो मुख्यमंत्री जिस आवाज में रह रहे हैं वहाँ भी बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, और जिस आवाज में माननीय अखिलेश जी ने अभी खाली किया, नेता जी ने खाली किया, वहाँ भी बहुत कुछ छोड़ के आए हम अपना। हम लेके नहीं, लेके जाने वाले अभी हम लोग, ये लोग जिस संस्कृत से आए हैं इन्होंने लेना सीखा, देना कभी नहीं सीखा।